चलिए दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। टाटा जेस्ट, टाटा टियागो बोल्ट, इसका बीसीएम है इसका। ये बीसीएम कुछ कुछ मॉडल में ऐसे होता है कि ये इसका रिमोट नहीं होता, इसके अंदर फंक्शन नहीं होता रिमोट का, तो इसके अंदर डेटा का फ़र्क होता है। तो इसका डेटा अगर हम लोग नॉन रिमोट वाले ई सी एम में अगर डाल दें, तो ये अगर बी सी एम हमारा रिमोट वाले का है और इसका डेटा हम विदाउट रिमोट वाले इसमें डाल दें, तो हमारा ये रिमोट वाला बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसका ट्रांसफ़र करते हैं डेटा मल्टीप्रॉक की मदद से। इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट हो गया। चलो आ जाए ये डैशबोर्ड के ऊपर। और ये इसका काम क्या होता है वो देखेंगे, कैसे होता है। इसका डेटा मैंने रिकवर कर लिया था पुराने वाले का। अभी डेटा हम कहाँ पर सेव किया है ये उठाएंगे। मेरे सिर्फ ये डी फ्लैश और सी फ्लैश, ये दो डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो पहले मैं उठाता हूँ डी फ्लैश। डी फ्लैश डी टेस्ट भी होता है इसमें, लेकिन ये ट्रांसफ़र नहीं होता। डी फ्लैश, ये हमने डेटा जैसे उठा लिया, अभी हमारे डैशबोर्ड के ऊपर आ चुका है डी फ्लैश। अब इसको राइट करेंगे पहले तो। राइट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में इसके कनेक्शन चेक कर लेंगे एक बार। कनेक्शन हमने देखे नहीं थे इसके कनेक्शन, इधर कनेक्शन भी बताता है ये। इसमें मैं निगेटिव 26 नंबर वायर, 26 नंबर वायर, से स्टार्ट होंगी इसकी। और ये लास्ट के चार वायर, ब्लू ग्रीन पर्पल ब्राउन, ये सारे कनेक्शन इसके लगेंगे जो कि मैंने लगा दिए कनेक्शन। अब ये सी फ्लैश का डेटा उठा लेते हैं हम लोग। सी फ्लैश का डेटा ये रहा है, ये इसको राइट कर देंगे। तो ये हमारा विदाउट रिमोट वाला बीसीएम विद रिमोट वाला बन जाएगा। राइट, तो डेटा जाने में काफ़ी समय लगेगा। तब तक हम लोग इसके कनेक्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो डेटा जाना स्टार्ट हो चुका है, कनेक्शनों पे एक बार नज़र मारेंगे। ये इसकी एमसीयू है और ये कनेक्शन लग गए सब ठीक है। और डेटा जाना हमारा स्टार्ट हो चुका है। सी फ्लैश का डेटा उसका मेन है और डी फ्लैश का डेटा। ओके,